सकता मैं तुम? जी मेरा नाम जैन मोमिन है, ये दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ। पहली वीडियो में थोड़ा मसला हो गया था। एक्चुअली मैंने जब पहली वीडियो बनाई तो मैंने इसमें फर्टिलाइज़र में लेके आया था, वो फर्टिलाइज़र मैंने इसमें डाला, ठीक है, उसको लोकली खाद भी कहते हैं। और फिर अब मैं प्लांट में लगा रहा हूँ और पानी भी मैंने एक्चुअली ज़मीन में पहले दे दिया था, क्योंकि जो पहली वीडियो में थोड़ा फॉल्ट हो गया था जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उसकी वजह से वो जो मैंने सारे जिसमें पानी डाला था पौधे में और फर्टिलाइजर डाला था, वो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है। ये प्लांट है जी, चाइना प्लांट इसको कहते हैं लोकली, और इसका इंग्लिश अंग्रेजी का नाम मुझे नहीं मालूम, तो लोकली चाइना प्लांट कहते हैं। और ये बड़ा होकर इसमें पौधे भी आएंगे, फूल भी आएंगे। और यहाँ पे जो लोकली जो ईदगाह पे जो बंदा काम करता है उससे बात हुई, उसने कहा कि मैं इस पौधे की देखभाल करूँगा, इस पर पानी डेली बेसिस पे डालूँगा। और जी सबसे मैं अगर बात करूँ, जो देखें ज़मीन पे जो प्लांट करने से पहले ज़मीन फर्टाइल होनी चाहिए और सॉफ्ट ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन इस अफसोस में कह सकता हूँ, यहाँ पे ईदगाह पे जो ज़मीन है वो इस जगह पे सॉफ्ट नहीं है, अंदर सॉफ्ट है लेकिन बाहर जो सॉफ्ट नहीं, जिसकी वजह से इस प्लांट को उगने में शायद मुश्किल हो। लेकिन मैंने जो यहाँ पे काम करते हैं उनसे बात हुई, मैंने उन्हें बताया कि अगर इस ज़मीन को एक दो बार जो लोकली इसको कहते हैं रेडी, अगर रेडी लग जाए यहाँ पे ना एक बार, तो यहाँ पे ज़मीन सॉफ्ट हो जाएगी। और उस रेडी के दौरान अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो कोई भी पौधा हम लगाएं, पार्क भी यहाँ बाहर बन सकता है अच्छा सा ईदगाह पे। और उस लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला मैं बता दूँ कि यहाँ पे ड्रेनेज का कोई मसला नहीं है। जब भी बारिश होती है वैसे ही अमूमन यहाँ पे जो गटर लाइन की सारा पानी ईदगाह के गेट पे खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जो काम करने वालों की शिकायत है लोकल गवर्नमेंट से, और मेरी लोकल गवर्नमेंट से भी उम्मीद है कि बरए मेहरबानी ईदगाह पे अहम शारा है, ईद की नमाज यहाँ लोग पढ़ते हैं, अभी भी कुछ दिनों के बाद यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज होने लगी हैं जो हफ्तों चलेंगी। यहाँ पे जब लोग आते हैं तो वो यहाँ पर बरए मेहरबानी ड्रेनेज का सिस्टम करें, और यहाँ पे ताकि वो गंदा पानी यहाँ खड़ा ना हो। बारिश का पानी जब भी खड़ा होता है तो दिनों हफ्तों खड़ा हो जाता है, निकलने की कोई जगह नहीं है, ड्रेनेज नहीं है। तो ये भी यहाँ पे काम करने वालों की मसला है। और मेरी प्लांट लगाने की सबसे बड़ी जो वजह है जी, आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। अभी सर्दियाँ आएगी तो सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा वाली होंगी, कम वाली नहीं होगी, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि क्लाइमेट में अनसर्टनिटी, गर्मियाँ ज़्यादा सर्दियाँ ज़्यादा या सर्दियाँ कम गर्मियाँ ज़्यादा। और बारिश के जो होंगे, बारिश की जो टाइम पीरियड है वो फ्लैक्चुएट करेगा, और कभी सबसे ज़्यादा बारिश होगी जो 2019-20 में जो मैंने खुद रिपोर्टिंग की हुई है, 17-18 किस लेवल की बारिशें हो रही हैं, फ्लड्स हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे माहौली आलूदगी बढ़ती जा रही है, हवा में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो एयर पोल्यूशन वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो क्लाइमेट है वो इम्पेक्ट उस पर सबसे ज़्यादा हो रहा है। और ये नासा की रिपोर्ट है जी, 30 सालों में 40% जो हमारे फॉरेस्ट है, 50% फॉरेस्ट है वो कट चुका है। क्यों हम इस तरह इस लेवल पर दरख काट रहे हैं जिस लेवल पर हम लगा नहीं रहे, जिस लेवल पर दरख उग नहीं रहे, और जिस लेवल पर हम पोल्यूशन कर रहे हैं उस लेवल पर हमारी एयर जो साफ़ नहीं हो रही, क्योंकि हम दरख काटने जा रहे हैं और धुआं फॉसिल फ्यूल जलाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम इन्वायरमेंट गर्म हो रहा है। और इन रिज़ल्ट जब नेचर को मैं समझता हूँ, जब कुदरती निज़ाम को हम ख़राब करेंगे तो हम भी हमारे अंदर भी वो असरात होंगे। जिस अभी करोना वायरस आया है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जी हमारे एयर पोल्यूशन हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे लंग्स कमज़ोर हो रहे हैं, हमारे जो लंग्स हैं जो सांस लेते हैं वो उसमें पोल्यूशन की वजह से, जैसे एक जो सिगरेट नोशी करते हैं उनके लंग्स कमज़ोर होते हैं और वो करोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, उसी तरह जो आम तबका है वो भी अब तक करोना वायरस से सबसे ज़्यादा शिकार हो रहा है, क्योंकि हमारे लंग्स कमज़ोर हो रहे हैं, हमारी एयर पोल्यूशन इस लेवल पर बढ़ गई है। तो मेरी अपील है जी गवर्नमेंट से कि बरए मेहरबानी प्लांटेशन लोकल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, हैदराबाद की गवर्नमेंट से प्लांटेशन लगाएं, लोकली यूथ और जो हमारे आवाम है उनको एजुकेट करें कि भाई कितनी अहम है प्लांटेशन, और जो स्पेशली जो गाड़ियाँ पेट्रोल पे चल रही हैं उससे भी एजुकेट करें कि भाई इलेक्ट्रिक कार को इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक अप्लाइंस को इस्तेमाल करें, गैस और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं पेट्रोल और कोल उसको कम करें उसका इस्तेमाल, ताकि हमारी हवा पोल्यूट ना हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस इस्तेमाल करें, हमारे दुनिया में इलेक्ट्रिक गैस आ गए हैं, हमारे पाकिस्तान में उसका कोई शौर नहीं लोगों को, इलेक्ट्रिक बिजली से हम अपने कुकिंग कर सकते हैं,
तो उस पर भी एजुकेट करना चाहिए हमारे लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर लेके आने के लिए, उनको हमें अपॉर्चुनिटीज और उनको वो यू नो ऑप्शंस प्रोडक्ट ऑप्शंस देने चाहिए, ताकि ये प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में होंगे तो लोग खरीदेंगे, बाइंग के उस लेवल पे प्रोडक्ट होंगे तो वो खरीदेंगे लोग। तो अपील है कि इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस को सस्ता करें, उन लोगों तक आम करें, ताकि वो हमारे लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करें और जो पेट्रोल और कोल और डीजल को कम इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें, ताकि हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट ना हो। और आखिर में मैं कहूँगा कि जी हमारे जो फार्मर्स हैं सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, दिन ब दिन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट तबाह हो रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, बारिशें कम हो रही हैं, बारिशें ऐसे ज़्यादा हो रही हैं जिससे हमारे फूड चेन तबाह हो रहा है, हमारे जो किसान को सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है। और मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि भाई हमारे किसान को इनिशिएटिव दें कि अगर जो कुदरती आफात की वजह से अगर उनको उनके फसल को कोई तबाही होती तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि अमेरिका में भी यही सिस्टम है कि अगर वहाँ पर कुदरती की कोई भी अगर कुदरत की वजह से कोई उनको ज़मीन को मसला होता है, फ्लड या कोई ऐसा तूफान आता है तो फसल तबाह होती है, तो गवर्नमेंट उनको मदद करती है, गवर्नमेंट उनको इनिशिएटिव देती है और उनको फंड्स देती है ताकि वो किसान इम्पेक्ट सह पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। लेकिन यहाँ पर अफसोस है लोग किसानों को कोई ध्यान नहीं देता, हमारे मार्केट सिस्टम इस तरह बायस है, सबसे ज़्यादा बायस है कि हमारे जो फार्मर्स को उस लेवल का प्रॉफिट नहीं मिलता जिस लेवल का अगर मैं कहूँ कि दूसरे सेकेंडरी और टर्शियरी जो सेक्टर से, जैसे यहाँ पे अगर हम फ्रूट ले रहे हैं तो हमें किस लेवल पे कितने महंगे फ्रूट मिल रहे हैं, लेकिन जो फार्मर्स है वो बहुत ही कम प्राइस में सेल कर रहे हैं, तो मिडिल मैन जो है वो सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। पैसे कमाने कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं फूड को उगाने में उनको भी मदद करें, उनको भी फाइनेंशियली एड दें या उनको भी अच्छी कीमत में चीज़ें खरीदें ताकि वो स्ट्रेंथन हो और वो फसल को और हमारे फूड चेन को बचा सकें, क्योंकि इन्वायरमेंट जिस लेवल पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे जो फूड चेन है सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है, आगे चल के हम एयर पोल्यूशन और फूड से हम सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे और हमारे पानी की जो क्वालिटी है वो भी सबसे ज़्यादा पोल्यूट हो रही है, क्योंकि हम जिस लेवल पे पोल्यूशन कर रहे हैं एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर वाटर पोल्यूशन, उस पर हमें ही इम्पेक्ट होगा। कोरोना वायरस आ गया है ये सबसे ज़्यादा, ये किस वजह से मैंने कहा कि क्योंकि हम खुद पोल्यूशन कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे अपील है कि इन्वायरमेंट को समझें, हमारे नेचर को तबाह ना करें, नेचर को और ज़्यादा फ्लोरिश करें, उनको प्लांटेशन करें, हवा पोल्यूशन कम करें, ताकि आने वाले जो मुस्तकबिल में हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको सबसे कम से कम इम्पेक्ट हो इन्वायरमेंट चेंज का, क्लाइमेट चेंज का। शुक्रिया।